दोस्तों इजी गोइंग रेंज ऑफ सैनिटरी पैड है हमारे पास और पैंटी लाइनर है जो केआरएस मल्टीप्रो ने अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की रेंज में लॉन्च करा है। तीन इसके डब्बे आप देख सकते हैं, जो ब्लू कलर के आपको डब्बे दिख रहे हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और पिंक कलर। ये तीन जो डब्बे हैं ये स्पेशली अलग अलग साइजेस हैं, अलग अलग रेंज है, इसको डिनोट करती है। इसको हम आगे देखेंगे वन बाय वन। दोस्तों इजी गोइंग सैनिटरी पैड्स हमने क्यों लॉन्च करा, इजी गोइंग सैनिटरी पैड्स का क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य को मैं क्लियर करना चाहूंगा। केआरएस मल्टीप्रो का जो लक्ष्य है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, वो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। ये मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में 56वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है जहां स्त्रियों की पूजा होती है, जी हाँ, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहां देवता निवास नहीं करते, और वहां कोई भी कर्म करो आपका कर्म निष्फल हो जाएगा, आपके किसी भी काम का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो यह बात बड़ी सोचने वाली है कि हमारे घर में स्त्रियां हैं, पूजा का मतलब यह नहीं कि उनको दिन भर बैठ करके दिया दिखाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन स्त्रियों का सम्मान करना, स्त्रियों का की देखभाल करना एक तरीके से पूजा है, और आपको वही फल मिलता है जो किसी देवता को पूजने से आपको फल मिलता है। वही फल आपको जब आप स्त्री का सम्मान करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी तकलीफों को देखते हैं, तो आपको भी भगवान वही सुख, वही शांति और वही फल प्रदान करता है। आप सब मेरे साथ हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमारा मिशन क्या है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, यह बात तो सर्वविदित है, सबको पता है कि भारतीय संस्कृति में शुरुआत से ही, प्राचीन काल से ही नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। और आज इसी मुहिम के साथ केआरएस मल्टीप्रो लेकर के आया है आपके लिए एक ऐसा सैनिटरी नैपकिन जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं था और जिसने लोगों की जिंदगी बदली है। बहुत लोग इससे यूज करके काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, और जिन लोगों ने यूज नहीं करा वो भी जब इस्तेमाल करेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। केआरएस मल्टीप्रो का जो मुहिम है, नारी को मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले और नारी के स्वाभिमान की रक्षा हो, इसको लेकर के इजी गोइंग एनियन सैनिटरी नैपकिन पैड्स लॉन्च करा है। दोस्तों ये पैड किस काम आता है, बहुत सारे मर्दों को ये पता भी नहीं कि ये पैड किस काम आता है। तो मैं आपको बता दूं, पैड्स महिलाओं की माहवारी पीरियड के टाइम में यूज होता है, और पीरियड का जब नाम लिया जाता है तो यह एक ऐसा शब्द है कि लोग इसके बारे में खुलकर के बात नहीं करते। अगर आपके घर में कोई महिला, किसी महिला, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, वो अगर पीरियड आया है तो उसको अपेक्षा की नजर से लोग देखते हैं। इवन प्राचीन काल में लोग महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार भी करते थे, अगर किसी महिला को पीरियड आ गया तो उसको समाज में परिष्कृत कर दिया जाता था, मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, रसोई घर में जाने की इजाजत नहीं होती थी महिलाओं को। जब कोई महिला, कोई स्त्री रजस्वला होती थी तब उसको घृणित नजर से देखते थे, ऐसा लगता था कोई अभिशाप है, कोई भगवान का अभिशाप उसके ऊपर बीत रहा है। 4 या 5 दिन कमरे से बाहर निकाल करके दूर किसी घर के बाहर ठहराया जाता था, ये पता ही होगा आपको। ऐसी विकराल समस्या से महिलाएं गुजरी हैं, और मैं महिलाओं के इस क्षमता को, ये दुख और ये पीड़ा सहने की क्षमताओं को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये महिलाएं आज घर के बाहर निकली हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही महिलाएं उस काल में ऐसी चीजों को भी झेल रही थी। दोस्तों अगर घर में लोग बैठे हुए हैं और ये टॉपिक उठ जाए कि पीरियड जैसी बात, तो माँ बाप बच्चों के सामने ऐसी बात करने से झिझकते हैं और बच्चे भी माँ बाप के सामने ऐसी बात करने से झिझकते हैं, लेकिन दुनिया की यह सच्चाई है कि हर महिला को 12-13 साल की उम्र के बाद से और लगभग 50 साल की उम्र तक
पीरियड की समस्या का सामना करना पड़ता है। आप मानो या ना मानो, हर वो स्त्री जो आपके घर में आज जिसका जन्म हुआ है, वह जब बड़ी होगी तो उसको इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा। आज विडंबना यह है कि भारत बड़ा आधुनिक हो गया है। आप देखो, भारत चांद पे भी पहुंच गया और पूरी दुनिया चांद पे पहुंच गई है, लेकिन इतनी आधुनिकता के बावजूद अधिकांश महिलाएं, मैं देखता हूं जब गांवों की बात करें तो अभी शहरों में ही पैड्स का प्रचलन है, अदरवाइज अगर गांव की बात करें तो गांव में तो 80%, मंजू यादव जी क्या मैं सही हूं, 80% महिलाएं गांवों में अभी भी कपड़े का इस्तेमाल करती है। तो इस चीज को बदलने की जरूरत है। इस चीज में बदलाव होगा कैसे? सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। यह पीरियड कोई घिनौनी सी चीज नहीं है, एक शरीर में होने वाली समान क्रिया है, समान प्रक्रिया है, तो इसको वैसे ही देखना चाहिए। ना तो इसका किसी धार्मिकता से कोई लेना देना है, ना ही इसका कोई सामाजिकता से लेना देना है। जैसे पुरुषों के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, वैसे महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, और महिलाओं की यह एक स्वाभाविक क्रिया है जिसको बस वैसे ही देखें हम। आज भारत में अधिकांशतः महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है कि माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करना महिलाओं के लिए घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो जिस स्त्री के हम सम्मान की बात कर रहे थे, जिस स्त्री के रक्षा की बात कर रहे थे, क्या आप चाहेंगे आपके घर में आपकी बहनें, आपकी माँ कपड़े का यूज करें? चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा निष्ठुर इंसान नहीं है जो यह चाहेगा कि उनके घर में ऐसी चीजें हों। दोस्तों, कपड़े के इस्तेमाल से होता क्या है? कपड़े के इस्तेमाल से, साधारण कपड़े का अगर इस्तेमाल कर रहे हो आप पीरियड में, तो उससे जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और इन्फेक्शन बढ़ने का मतलब क्या है? देखो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जब आपके शरीर में होगा तो इसका मतलब सीधा है कि आपका मौत, संक्रमण की वजह से मौत भी होती है। और WHO की यह रिपोर्ट है कि हर 5 मिनट में ओवेरियन कैंसर से, मतलब अंडाशय के कैंसर से, एक महिला की मौत होती है। दोस्तों, इस बात पे आप गौर करेंगे कि हर 5 मिनट पे एक महिला की मौत हो रही है। वजह क्या है? पीरियड के दौरान होने वाला संक्रमण। या संक्रमण हुआ क्यों? क्योंकि महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं। तो क्या इसको बदलना चाहिए हमें या नहीं? कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल बंद होना चाहिए, हर महिला को सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात यह आती है, थोड़ा हम समझे इस चीज को कि ये जो पीरियड का प्रोसेस है यह होता क्या है और इसमें महिलाओं के शरीर में क्या बदलाव होते हैं। तो महिलाओं के शरीर में जो उनके एग्स होते हैं, जो उनके ओवरी से एग्स निकलते हैं अंडाणु, वह ओवरी की दीवार से अटैच हो जाते हैं। जैसे में स्पर्म बनता है, वैसे महिलाओं में ओवरी से एग्स निकलते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन, अंडे का निकलना। यह प्रोसेस जो होता है यह 21 से 35 दिन का प्रोसेस होता है। इसके बाद में क्या होता है कि उस एग को, उस ओवरी से निकले हुए एग को अगर कोई स्पर्म नहीं मिला तो वह एग क्या होता है, ओवरी की दीवार से टूट करके बाहर चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा ब्लड आता है और 21 दिन के बाद में 2 से 5 दिन 7 दिन भी किसी किसी महिला में ये समस्या होती है, तो ब्लड के साथ वह ओवरी से निकले हुए एग बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वह महिला मां नहीं बन रही, उसका एग का निषेचन की प्रक्रिया है वो नहीं हुई, वो बिल्कुल स्वस्थ है और अगले महीने फिर उसका पीरियड आता है। लेकिन इस बीच में दिक्कत क्या होती है कि महिलाओं के पेट में क्रैम्प, दर्द होता है, दर्द उठता है, क्योंकि जब ओवरी से कोई चीज अटैच है, आपके ओवरी की दीवार से, एक ओवरी मान लो कि एक कैविटी है, गोल सी कैविटी है जिसमें बच्चा पैदा होता है,
बच्चे की जो निषेचन होता है उसकी प्रक्रिया उस छोटे से एक शेल में होती है। इसकी दीवारों से वो अंडे जुड़े हुए होते हैं और इससे टूट टूट करके वो गिरते हैं। तो इसी टूटने की प्रक्रिया में ब्लड के साथ वो बाहर आता है और महिलाओं को हल्का पेन का अनुभव होता है। किसी किसी महिला में वो पेन ज्यादा भी हो सकता है। यह पीरियड की समान प्रक्रिया है। दोस्तों, साधारण सेनेटरी नैपकिन और इजी गोइंग एनियल सेनेटरी नैपकिन में क्या अंतर है? पीरियड के दौरान जो ब्लड आता है उसके साथ जब आप कपड़ा यूज करते हैं तो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। तरह तरह के बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जिसमें इकोलाई बैक्टीरिया आदि प्रमुख है। लेकिन जब आप एक एनियन टेक्नोलॉजी वाला नैपकिन यूज करते हैं, जो एनायन, मतलब आपको बताऊंगा ये एनायन जैसे वर्ड्स का मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया को नहीं पनपने देता। इसको हम आगे की स्लाइड में अभी हम देखते हैं। सबसे बड़ी चीज है हम समझे कि ये एनायन टेक्नोलॉजी क्या है। इजी गोइंग पैड्स कॉटन का बना हुआ है। सबसे पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा, यह पैड कंप्लीटली कॉटन का बना हुआ है। आमतौर पर मार्केट में जितने पैड्स आप देखते हैं उसकी पहली लेयर किस चीज की बनी होती है? सिर्फ प्लास्टिक की बनी होती है। पहली लेयर प्लास्टिक की बनी होती है और प्लास्टिक से क्या होता है, इचिंग की समस्या। आप हाथ में प्लास्टिक बांध करके आधा घंटा देखना, पसीने से आपका हाथ लथपथ हो जाएगा क्योंकि आपके हाथ से ऑक्सीजन नहीं टकरा रहा, आपका हाथ बिल्कुल पसीना बनाएगा बहुत ज्यादा। तो आप सोचो आपके गुप्तांग में, महिलाओं के गुप्तांग में कितनी ज्यादा वो स्वेटिंग होती होगी। और स्वेटिंग का मतलब क्या है, क्या है, जहां पानी होगा पानी सूखेगा नहीं वहां पे क्या होगा, संक्रमण होगा ज्यादा। तो इसी वजह से जो महिलाएं अन्य नैपकिन का इस्तेमाल कर रही हैं वह भी सुरक्षित नहीं है। उनको भी अति शीघ्र जल्दी ही उनको भी एनएन टेक्नोलॉजी से बने हुए पैड्स को यूज करना चाहिए। पीरियड के दौरान संक्रमण भी होता है और महिलाएं चिड़चिड़ेपन की समस्या का भी शिकार होती हैं। गंदी सी स्मेल भी आने लगती है शरीर से और गुप्तांग से। लेकिन एनायन स्ट्रिप क्या करता है, इसमें नेगेटिव आयन होते हैं। नेगेटिव आयन मतलब नकारात्मक, जो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते या बैक्टीरिया और वायरस को मार देते हैं एनायन, और ब्लड के सर्कुलेशन को यह बढ़ाता है। और WHO के अनुसार जब एनायन की मात्रा एक लेवल तक पहुंचती है तो बैक्टीरिया अपने आप खत्म होने लगता है। दोस्तों, आपके पास जो आज हमने KRS के माध्यम से इजी गोइंग सैनिटरी पैड्स जो हमने लॉन्च करा है, इसमें 8 लेयर हैं। हर लेयर आप देखो, हर लेयर बना हुआ है ब्रीथेबल कॉटन से, मतलब ऐसा कॉटन जिसके आर पार ऑक्सीजन तो जा सकता है लेकिन पानी लीकेज ब्लड फ्लो नहीं जा सकता। और यह अल्ट्रा थीन है, मतलब पैड आपको बहुत पतला नजर आएगा। तो जब आप पैड को यूज करेंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने पैड लगाया भी है। अब आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि एनियन टेक्नोलॉजी के क्या फायदे हैं। एनियन टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी नई टेक्नोलॉजी है। आज एडवांसमेंट आधुनिकता के इस दौर में यह विज्ञान का एक आप चमत्कार है। एनियन टेक्नोलॉजी मैं तो मानूंगा यह तनाव से मुक्ति देता है। तनाव होता है पीरियड के दौरान, तनाव एक हार्मोनल बदलाव होते हैं शरीर में बहुत सारे, तो उसकी वजह से महिलाएं तनाव ग्रसित होती हैं। साथ में वो बार बार जो ब्लड का फ्लो होना, उसकी चिंता, फिर काम काज की चिंता, ये तनाव को और बढ़ाती है। तो एनियन पैड्स तनाव से मुक्ति देता है, इरिटेशन को कम करता है। मतलब जो जलन होती है, जो प्लास्टिक के पैड्स लगाते हैं तो स्किन पे एक इरिटेशन सी होती है, जलन सी होती है, वो आप समझो कि वो कांटे चुभने जैसी फीलिंग होती है, ऐसे इरिटेशन को यह कम करती है। और यूट्रस को साफ करने में, जो गर्भाशय होता है महिलाओं का उसको साफ करने में मदद करता है। एनियन जो रिनायन जो निकलते हैं इसके, उसके गैस निकलते हैं और यूट्रस में जमे हुए पुराने ब्लड के क्लॉट्स को भी निकाल देते हैं। आप सोचिए तो कितना अच्छा है। ऐसा पैड जो आप यूज करते हो तो जो ब्लड आ रहा है वो तो आ रहा है, वो तो एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन जो पुराना जमा हुआ ब्लड का क्लॉट है वो भी अच्छे तरीके से ये निकालता है। एनायन बैक्टीरियल इंफेक्शन से यूट्रस को बचाता भी है और साथ में जलन, दर्द और जो स्वेलिंग जैसी समस्या पीरियड के दौरान होती है उसको भी कम करता है ये। और इस सैनिटरी पैड की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये तकरीबन
500-600 ml तक के लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसका आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा होगा। देखा है आप सबने डेमोन्स्ट्रेशन, इसका जब डेमो हो रहा देखा जी, अभी आप देखेंगे यूट्यूब पे भी ये मौजूद है, जब इसका डेमो हो रहा था 500-600। आप भी ट्राई कर सकते हैं, आपके घर में पैड होगा, आप आधा लीटर पानी को धीरे धीरे इस पर गिराएंगे, आप देखेंगे कि ऊपर की लेयर बिल्कुल सूखी हुई है और इसके अंदर लॉकिंग टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं आता। गीलेपन की समस्या से पूर्णतः मुक्ति देता है यह पैड, जो अगर आप रात में गीलेपन जैसी सब फीलिंग आती है तो अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, नींद पूरी भी नहीं हो पाती, तो एक आरामदायक और अच्छी नींद सोने में मदद के लिए एनियन सैनिटरी पैड्स काफी कारगर हैं। यह ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, सबसे बड़ी बात एनियन के जो इसमें चिप्स लगे हुए हैं वो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं और हार्ट के मसल्स को भी मजबूत करता है। तो इतने फायदे वाली है एनियन टेक्नोलॉजी, और एनियन टेक्नोलॉजी का अगर आपको डेमो देखना है तो इस पैड से एक चिप्स निकाल करके किसी की बॉडी में अगर ताकत की कमी हो रही हो, तो उसके गर्दन पे अगर दर्द हो रहा हो, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या में भी अगर आपने उसके पैड्स के चिप्स रख दिए तो उसमें एक ताकत सी आ जाती है, उसका दर्द खत्म हो जाता है। दोस्तों और आगे देखते हैं कि मासिक धर्म के दौरान, पीरियड के दौरान महिलाओं को जो अनचाही समस्याएं होती हैं वो क्या हैं। अनचाही समस्याएं देखो, अल्सर होता है, मतलब ब्लड के साथ खाने में जैसे गैस जैसी समस्या भी होती है, चिड़चिड़ी हो जाती है महिलाएं, क्रोध आता है, किसी काम में महिलाओं का मन नहीं लगता, और प्लास्टिक के पैड्स यूज करने से क्या होता है, जो आपके गुप्तांग हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसमें रैसेस जैसी समस्या होती है, खुजली जैसी समस्या होती है, बार बार खुजलाना पड़ता है। सैनिटरी नैपकिन में एनियन स्ट्रिप के इस्तेमाल से ये सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म कर सकते हैं आप। कितना अच्छा है ये एनियन स्ट्रिप सैनिटरी पैड। और रिसर्च के अनुसार एनियन के इस्तेमाल से जो यूट्रस इन्फेक्शन की वजह से महिलाओं की जो मौत हो रही थी, उस मौत के आंकड़े को भी आप कम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, एनियन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, मतलब इम्यून सिस्टम को भी बढ़ा रहा है ये आपका इजी गोइंग सैनिटरी पैड्स। अब आप देखेंगे दो चीजें आपको स्लाइड्स पे दिख रही हैं, दिख रही हैं आपको दो पैड्स दिख रहे हैं आपको, ओके। इस स्लाइड्स में दिखने वाला एक तो है रेगुलर पैड, जिसकी साइज 240 मिलीमीटर है, एक है इजी गोइंग पैड जिसकी साइज 280 मिलीमीटर है। अब आप देखो, आप अलग अलग लेयर्स को देखते हैं कि इसमें अलग अलग लेयर्स क्या होते हैं। सबसे पहली लेयर जो है उसमें एनियन चिप्स लगी हुई होती है, आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर की लेयर है, उसमें ब्लैक ब्लैक धारी है, जिसको एनियन चिप बोलते हैं, और इसमें हर लेयर प्योर कॉटन की बनी हुई है, सॉफ्ट कॉटन का सरफेस है सेकेंड लेयर में, थर्ड लेयर में एयर लेड पेपर है, पैकिंग फिल्म, रिलीज पेपर, ब्रेथेबल बॉटम पी फिल्म, जापान सुमिटोमो एसएपी एयर लेड पेपर, सारे जो इसमें लेयर्स हैं वो कंप्लीट कॉटन के बने हुए हैं, और इसकी वजह से ऑक्सीजन का आदान प्रदान आपके प्राइवेट पार्ट्स में होता रहता है और इचिंग इरिटेशन जैसी समस्या नहीं होती। दोस्तों एक अहम सवाल अब ये उठता है कि रेगुलर और एक्स्ट्रा लार्ज पैड्स, इस बात पर आप बिल्कुल गौर करेंगे कि रेगुलर पैड्स, एक्स्ट्रा लार्ज पैड्स और पैंटी लाइनर, ये कब और कैसे यूज करना है। इसमें बहुत लोगों की कंफ्यूजन हो रही है, मैं देख रहा हूँ मेरे पास बहुत सीनियर लोगों के फोन आते हैं, वो पूछते हैं कि ये कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, इसमें साइज का क्या मैटर है, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह मार्केट से छोटा है, ऐसा कहना है। तो आज हम आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी देंगे और आपको लगेगा कि वाकई जो आप यूज कर रहे हैं, जो पैड आपको केआरएस मल्टीप्रो ने दिया है, वो अभी तक का सबसे बढ़िया नंबर वन पैड आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यूज भी कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। दोस्तों रेगुलर और एक्स्ट्रा लार्ज सैनिटरी पैड्स क्या हैं, इसको कब और कैसे यूज करें, फर्क क्या है मिलीमीटर, फर्क क्या है साइज का, दोनों में, दोनों अलग अलग तरीके के सैनिटरी पैड हैं, जो आपके ब्लड फ्लो, कितना ब्लड का फ्लो आता है
उसके आधार पर इसको यूज करना है। सबसे पहली बात, ब्लड फ्लो के आधार पर रेगुलर और एक्स्ट्रा लार्ज का चयन करना है। जब आपका ब्लड ज्यादा फ्लो हो रहा है, ब्लड का पीरियड के दौरान ज्यादा ब्लड आ रहा है, तब आपको एक्स्ट्रा लार्ज प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है। एक्स्ट्रा लार्ज प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये साइज बड़ा होता है तो ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। आप पीरियड के साइकिल के अनुसार आप विभिन्न प्रकार के पैड का उपयोग कर सकते हैं। पहले से तीसरे दिन जब ज्यादा ब्लड का फ्लो होता है तब आप एक्स्ट्रा लार्ज पैड यूज कर सकते हैं और बाकी दिनों के लिए रेगुलर का उपयोग कर सकते हैं। मतलब पहले से तीसरे दिन जब ज्यादा ब्लड का फ्लो हो रहा है तो आपने यूज करना एक्स्ट्रा लार्ज और बाकी दिनों के लिए रेगुलर का उपयोग करना है। अधिकांश महिलाएं, जैसे अभी शादी से पहले जो लड़कियां होती हैं उनको आप रेगुलर दें क्योंकि उनमें ब्लड फ्लो कम होता है। शादी के बाद ये एक बड़ा गौर करने वाला तथ्य है, शादी के बाद पीरियड में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो शादी से पहले जो भी लड़कियां हैं उनको आप रेगुलर दे सकते हैं और शादी के बाद एक्स्ट्रा लार्ज पैड प्रयोग करना चाहिए और पैड को हर 3 से 4 घंटे में बदलें। ये एक स्टैंडर्ड कहता है कि पैड को 3 से 4 घंटे में बदल लेना चाहिए। आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं ब्लड फ्लो के आधार पे भी आप इसको, क्योंकि ये आपका एनियन टेक्नोलॉजी का पैड है तो इसको अगर लंबे समय तक भी यूज करते हैं तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। ये नॉर्मल पैड्स के लिए है, 3 से 4 घंटे में उनको बदलना है क्योंकि प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक में त्वचा में पसीना भी उत्पन्न हो रहा है, दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो इसलिए वो नॉर्मल प्रोटोकॉल है 3 से 4 घंटा। हमारे में एनियन टेक्नोलॉजी वाला पैड है तो आप इसको लंबे अंतराल तक यूज कर सकते हैं। पैड को यूज करने के बाद, अगर यूज किया हुआ पैड है तो इसको कभी भी शौचालय या फ्लश में डिस्पोज ना करें क्योंकि इससे क्या होगा, शौचालय और फ्लश चौक हो जाएगा। तो इसको कागज में लपेट करके बिल्कुल सफाई, उसमें कागज में लपेट करके इसको कूड़ेदान में डालना है, ये याद रखेंगे इस चीज को। अब जिन लोगों की यह शिकायत आती है, जिन लोगों को यह कंफ्यूजन है कि केयरलेस का पैड शायद छोटा है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मार्केट में बिकने वाले जितने ब्रांड हैं, आप स्टे फ्री, विस्पर, बेला, सिरोना, एरिस, सोफी, मेक इजी और फ्रीडम 9 जैसे ब्रांड, ये टॉप 10 ब्रांड्स का मैंने स्टडी करा और मैंने पाया कि इनकी जो साइज होती है इन ब्रांड्स के पैड की, वह तकरीबन 230 से 235 मिलीलीटर होती है, मिलीमीटर 230, आप देख सकते हैं 230 to 235। और हमारा रेगुलर साइज कितना है, 240 mm का। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़े अभिमान की बात है, फक्र की बात है कि हमने जो इजी गोइंग एनियन नैपकिन दिए हैं ये 5 से 10 मिलीमीटर मार्केट की साइज से बड़ा है। बड़ा है मतलब अच्छा है और एब्जॉर्बेंस, जो ब्लड फ्लो की एब्जॉर्बेंस है वो काफी अच्छी है। दूसरी बात आती है एक्स्ट्रा लार्ज साइज। एक्स्ट्रा लार्ज साइज के बारे में बताऊं, ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज ही बनाया है। इसका 280 मिलीमीटर की लंबाई है, इस पैड की लंबाई 280 मिलीमीटर है और मार्केट में बिकने वाले जितने पैड हैं वो तकरीबन 270 से 275 मिलीमीटर साइज में वो अपने आप को एक्स्ट्रा लार्ज बोलते हैं। तो अब किसी को कोई कंफ्यूजन है, आपने जो पैड अपने पास लिया है या मार्केट का सबसे बड़ा 5 से 10 mm बड़ा पैड है। अब दोस्तों एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, हम अभी तक क्या समझ गए कि कहां एक्स्ट्रा लार्ज यूज करना है, कहां रेगुलर यूज करना है और साइज में हमारा पैड मार्केट वाले पैड की साइज से बड़ा है। पीरियड जैसी समस्या कोई समस्या नहीं है, यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, इसको सामान्य शारीरिक प्रक्रिया की तरह देखें। इसमें ना तो महिलाएं अभिशप्त होती है, ना ही महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, सब कुछ कर सकती है महिलाएं इन इस पीरियड के दौरान। और पैंटी लाइनर, एक हमारे पास एक और रेंज है पैंटी लाइनर जिसमें एक पैकेट में 30 पीसेस आते हैं। नॉर्मल दिनों में, सामान्य दिनों में जब पीरियड नहीं हो रहा तब कुछ सिक्रेशन होते हैं महिलाओं में, जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या बैड स्मेल आती है, शरीर से दुर्गंध आती है, वो सामान्य दिनों में पैंटी लाइनर जो बहुत पतला है जिसमें
पानी को ऑब्जर्व करने की क्षमता नहीं है, इसमें सिर्फ चिप लगा हुआ है। जो चिप क्या करेगा, दुर्गंध को रोकेगा, जो किसी भी तरीके की छोटी मोटी सिक्रेशन आ रही है उसको ऑब्जर्व करेगा, तो इससे आपके कपड़े खराब नहीं होंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपके पूरे 30 दिनों तक आप अपनी गुप्तांगों को, अपने शरीर को संक्रमण से बचाए रखेंगे, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम और मजबूत होगा। दोस्तों, इजी क्विन पैंटी लाइनर अत्यंत पतला और मुलायम है, जो गुप्तांग के आसपास की त्वचा को दाग धब्बों के निशान से बचाता है। जब आप प्लास्टिक यूज करते हैं लंबे समय तक, तो उससे दाग धब्बा पड़ने की संभावना रहती है, तो इस वजह से यह त्वचा के निशान से आपको बचाता है। त्वचा को सुरक्षित और सूखा रखने के लिए भी पैंटी लाइनर बहुत अत्यधिक फायदेमंद है। और अचानक होने वाले, जैसे आप यूरिन पास कर जब कर रहे हैं, तो एक दो बूंद, चार बूंद आपके कपड़े पे भी लग जाते हैं, तो इस समस्या से भी यह बचाता है। तो ये पैंटी लाइनर, इसकी थिकनेस 155 मिलीमीटर है इसकी साइज। सवाल ये उठता है कि इसको यूज कैसे करना है, यूज करके डिस्पोज कैसे करना है। तो यूज करने की जो विधि है, इसके पैकेट पर भी लिखी हुई है। पैड्स को ओपन करना है, पैड्स को फिर उसमें इलास्टिक लगे हुए होते हैं, जिसको अपने पैंटी के ऊपर एंड अंडरवियर के ऊपर चिपकाना है। फिर जब आपने यूज कर लिया उसको, तो फिर वापस उसको फोल्ड कर देना है और उसको डस्टबिन में डिस्पोज करना है। ख्याल रखेंगे डस्टबिन में ही इसको डालना है, किसी और जगह नहीं डालना। तो दोस्तों, ये है हमारा इजी गोइंग सैनिटरी पैड, रेगुलर एक्स्ट्रा लार्ज पैंटी लाइनर। और कॉस्ट वाइज देखो, कॉस्ट वाइज भी हम बाकी कंपनियों से बहुत सस्ते हैं। सस्ता और अच्छा, ये केएस मल्टीप्रो ने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट लाने का वादा किया है, और ऐसे प्रोडक्ट हम इस बार भी लेकर के आए हैं। दोस्तों, कहाँ मिलती है 99 रुपीज में 10 पैड, कहाँ मिलते हैं ऐसे एनियन टेक्नोलॉजी वाले? नहीं मिलते कहीं। मैंने बहुत सारी कंपनियों के बारे में स्टडी करा और यही पाया कि वह अब जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं बड़े कॉस्टली हैं, और उनका समाज सेवा जैसी जो एक मुहिम है, जो केआरएस की, उससे कोई उनका लेना देना नहीं है। वह सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, वह सिर्फ एक बिजनेस कर रहे हैं, और वाकई नारी के सम्मान और स्वाभिमान के प्रति कोई कंपनी समर्पित है, तो वह केआरएस मल्टीप्रो है, और केआरएस का इजी गोइंग सैनिटरी पैड।